ना इतनी गर्मी में गैस जलाना, ना चीनी, ना गुड़, ना मिश्री। गर्मियों का ठंडा ठंडा हेल्दी टेस्टी ड्रिंक जो पीते ही तरोताज़ा कर दे। ये टेस्टी भी है, हेल्दी भी। इसे आप 1 वीक तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की है, बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने छोटा सा आम लिया है और इसको काट लेंगे। थोड़ा कच्चा है, थोड़ा पक्का है। तो ये मैंने हरी इलायची ली है और हरी इलायची पूरी बॉडी को रिलैक्स करती है और काली मिर्च औषधि का गुण है। और ये मैंने लिए सौंफ। सौंफ मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच, जो बिल्कुल ठंडा रखती है और काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। कैल्शियम है भरपूर मात्रा में। और ये मैंने लिया है 1 कटोरी पुदीना, जो बिल्कुल ठंडा और तरोताज़ा कर देगा। और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ खसखस, इसकी तासीर भी ठंडी होती है। और थोड़ा सा पानी डाल करके पीस लेंगे। और अब मैं इसे छान लूँगी और छानने के बाद जो इसके रेशे हैं जो ऊपर निकल जाएंगे, और इसको मैं स्टोर करके रख दूँगी सुखाने के बाद। ये इमली की चटनी में भी ले सकते हैं आप, थोड़ा सा नमक डाल करके या चीनी डाल करके। तो ये मैंने पल्स ली है और इसको हम पीस लेंगे। तो ये मैंने 14-15 पल्स ली हैं टॉफियाँ। और ये मैंने ली है जस्ट जली, इसको मैं अलग पीसूंगी। थोड़ा सा पानी डाल करके इसका अलग ड्रिंक बनाएंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, कोई फूड कलर नहीं डाला है। और ये मैंने लिया है 2 नींबू का रस। ग्रीन वाले में हम 2 नींबू का रस डालेंगे और इस वाले में डाल रही हूँ मैं सिर्फ 2 चम्मच नींबू का रस। तो अब डालते हैं इसमें आइस क्यूब और ठंडा ठंडा हमारा ड्रिंक बन करके तैयार है। तो इसमें डाल देंगे और ग्रीन वाले को भी मैं थोड़ा टेस्ट अलग अलग करूँगी। अभी तो मैं थोड़ा सा नमक दोनों में डाला है, सेम है। और एक में मैं डाल दूँगी भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, थोड़ी सी काली मिर्च। और एक में मैं डाल रही हूँ जलजीरा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाहे तो आप पानीपुरी का मसाला भी डाल सकते हैं। और ये है हमारा पाउडर, इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ 1-1 चम्मच। तो थोड़ा सा मुझे जब कम लगा तो मैंने आधा चम्मच फिर से डाला। और ये हम अलग बना लेते हैं और इसमें कोई मसाला नहीं डालना है। ये तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये मैंने सोडा लिया है, चाहे तो आप पानी में भी घोल सकते हैं, चाहे आप स्प्राइट भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और एक में मैं बूंदी डाल रही हूँ और इसमें मैंने सब्ज़ा डाला है जो ठंडा ही होता है। और इसको मैंने सिंपल ही रखा है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।